नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको वेंटीमॉक्स CV625 टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इसको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी वार्निंग साइन क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो वेंटीमॉक्स CV625 है, इसमें क्या कंपोजिशन पाया गया है। वेंटीमॉक्स CV625 में अमॉक्सिसिलिन ट्रीहाइड्रेट 500 mg पाया गया है और दूसरा इसमें जो क्लैवोनिक एसिड है जे 125 mg पाया गया है और ये यूनिवेंटिस मेडिकेयर कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 223 रुपीज़, मीन्स 223 रुपीज़। अंदर से पैकिंग की बात करें तो जो आपको कुछ इस तरह को देखने को मिल जाएगी, जो टैबलेट फॉर्म में आता है और आपको इसकी वन स्टिप में 10 टैबलेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो वेंटीमॉक्स CV625 टैबलेट है, J2 कंपोजिशन से मिलकर बनी हुई टैबलेट है। इसमें जो अमॉक्सिसिलिन पाया गया है, ये एक पेंसिलिन की क्लास का एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को किल करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करता है। और दूसरा इसमें जो पोटाशियम क्लैवोनेट है, ये एक बीटा लैक्टमस इनहिबिटर ड्रग है जो कि बैक्टीरिया के बीटा लैक्टमस जिंक को इनहिबिट कर एंटीबायोटिक के कार्य को बूस्ट करता है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जानते हैं कि जो वेंटीमॉक्स CV625 है, इसको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। वेंटीमॉक्स CV टैबलेट को कान के संक्रमण, मींस कान में किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो गई है, कान में से रेशा आ रहा है या कान में किसी तरह की फोड़ा फिंसी निकली है तो उसके लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर टॉन्सिलाइटिस के लिए, मींस टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन हो गई है उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। निमोनिया के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये क्या होता है, ये लंग्स की एक डिसीज़ होती है, इसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर यूरिन की इन्फेक्शन, मींस यूरिन में इन्फेक्शन हो गई है आपको, यूरिन करते समय पेन होती है, जहाँ रेड कलर का यूरिन आ रहा है, जहाँ फिर पस सेल्स इंक्रीज हो गए हैं तो इसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर इसको साइनोसाइटिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्किन की किसी भी तरह की इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, गले की इन्फेक्शन के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर पेशेंट को सेप्टिक गठिया हो गया है, जिसे कि हम अर्थराइटिस कहते हैं, वो सेप्टिक हो गया है, इन्फेक्शन वाला है, तो उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर बैक्टीरियल विजाइनोसिस, ये क्या होता है, विजाइना में बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गई है, उसमें इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर ब्लड में किसी तरह की इन्फेक्शन हो गई है, WBC रेस हो गया है, तो उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर पेशेंट को किसी तरह का वूंड है, जख्म हुआ है, कट लगा हुआ है, या फिर चोट लग गई है, तो उस जख्म को सुखाने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद आपके जो स्टिचेस होते हैं, टांके होते हैं, उसको भी सुखाने के लिए डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। या फिर पेशेंट के फोड़े निकले हुए हैं, फिंसी निकली हुई है, या गढ़ निकले हुए हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन और पस फॉर्मेशन चुकी है, तो उसमें भी इसको यूज किया जा सकता है। या फिर दांतों की भी किसी भी तरह की इन्फेक्शन के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। चलिए अब हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं।
जो वेंटीमॉक्स CV625 है, इस टैबलेट की जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की हिस्ट्री, उसकी डिसीज कंडीशन, उसकी एज और वेट पर डिपेंड करती है। अदरवाइज डॉक्टर इस टैबलेट को दिन में 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एवरी 12 आवरली मीन्स 12 घंटे के बाद इसको रिपीट किया जा सकता है। इसका प्रॉपर कोर्स होने पर ही इस टैबलेट को हमेशा बंद करना चाहिए, जब तक कि आपके जो विक्टीरियल इन्फेक्शन का संक्रमण है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। चलिए अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। वेंटीमॉक्स CV625 के साइड इफेक्ट्स हैं, दस्त लग जाना, स्किन पे रैशेस आ जाना, लाल रंग के दाने हो जाना, मतली आना या फिर उल्टी आना, मुंह में छाले हो जाना या फिर गुप्त अंगों में सूजन हो जाना। अगर आपको ये साइड इफेक्ट सीवियर रूप में नजर आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करें। चलिए लास्ट में इसके कुछ वार्निंग साइंस के बारे में जान लेते हैं। इसके वार्निंग साइंस हैं, लीवर और किडनी के डिसीज़ में अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही आप इस टैबलेट का यूज़ करें। हार्ट प्रॉब्लम में इसके कभी कभार साइड इफेक्ट हो जाते हैं, तो हमेशा डॉक्टर की अकॉर्डिंग ही इस टैबलेट को लें। ड्यूरिंग ड्राइव इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि समटाइम पेशेंट को चक्कर वगैरह आ सकते हैं। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इस टैबलेट को सेफ माना गया है। आफ्टर डॉक्टर कंसल्टेशन आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन से कभी कभार पेशेंट का मुंह सूखने लग जाता है। बच्चों को हमेशा इस टैबलेट से दूर रखना चाहिए। ओवरऑल जाने तो जो वेंटीमॉक्स CV625 टैबलेट है, इसका यूज़ किसी भी तरह की स्किन की इन्फेक्शन हो गई है, ब्लड की इन्फेक्शन हो गई है, या फिर कोई जख्म है, स्टिचेस है, ऑपरेशन हुआ है, या टॉन्सिलाइटिस है, तो उनके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।